पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आयोजक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रहा। इस दौरान कुछ महिलाओं के द्वारा तिरंगा यात्रा में तिरंगा को ही उल्टा कर दिया गया। ये तस्वीरें जब मीडिया के कैमरे में कैद हो गईं, उसके बाद कुछ अन्य लोगों के समझाने पर तिरंगे को सीधा किया गया। भाजपा की तिरंगा यात्रा में उल्टा झंडा लहराना बड़ा ही गंभीर विषय है। हालांकि इस मामले पर भाजपा का कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हाथों में तिरंगा लिए गांधी जी को नमन करते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी भी तस्वीरें नजर आईं जो सभी को शर्मसार कर देने वाली थी। कुछ महिलाओं ने गांधी जयंती पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में झंडे को ही उल्टा लहरा दिया और सिर्फ फोटो खिंचाती हुई नजर आईं। अब ऐसे में फोटो खिंचाने की शौकीन ये महिलाएं समाज को क्या संदेश दे रही है और मोदी जी के महिलाओं को बढ़ावा देने का संदेश कुछ इस तरह दिया जा रहा है। सड़क पर चलते हुए रैली में जिसने भी ये नजारा देखा, उसी ने इन सभी महिलाओं को टोका और उसके बाद तिरंगे को सीधा किया। जब इस विषय पर महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित से बात की गई, तो उनका कहना है कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में तिरंगे झंडे को उल्टा नहीं पकड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय है और जिसने भी ऐसा किया है उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, उनके साथ ही भारत रत्न श्रद्धेय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में आज भाजपा के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम सुबह से ही हम लोग कर रहे हैं। सुबह सबसे पहले हमने स्वच्छता अभियान चलाया, पूरे महानगर में सभी मंडलों में सभी जगह बहनों ने स्वच्छता अभियान चलाया। उसी के मद्देनज़र अब हमारा तिरंगा पद यात्रा है, जिसका आयोजन महिला मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत हमारे मंडल के सभी भाई लोग, पार्षद जी, हमारे माननीय कहना चाहिए मंडल के अध्यक्ष भाई संजीव चौहान जी, सभी लोगों के साथ हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम यहाँ पे उपस्थित है। और इस रैली के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत भूमि जो हमारी परम आदरणीय है, हमारी भारत माता है, उसके सम्मान में जितने भी क्रांतिकारी भाइयों ने अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान दिवस को भाजपा हमेशा सम्मान से मनाती आई है, श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि देती आई है। इसी तरह से हम आगे भी उनकी श्रद्धांजलि इसी तरह से देते रहेंगे सभी को। ये यात्रा रामलीला ग्राउंड से निकलेगी, प्रकाश नगर चौराहे होते हुए मंडी समिति गेट्स मझोली चौराहे से गुजरती हुई चौधरी चरण सिंह चौक पे जाके समापन की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।